हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर बी एच यू पाठशाला बी एच यू पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं श्रीमती बारी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो कैसे हो आप सब जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने वेमेंस कॉलेज यानी कि महिला महाविद्यालय के बारे में फुल डिटेल्स दी थी कि उसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में जाने की वो क्या चीज़ है यहाँ तक कि सब्जेक्ट के कम्बिनेशन के बारे में भी बताया था लेकिन फुल डिटेल नहीं बता पाई है ना तो मैंने पूछा था आप लोगों से कि अगर आपको यू कोर्सेज़ की फुल डिटेल चाहिए यानी कि उसकी कम्बिनेशन किस फैकल्टी में कितने सब्जेक्ट हैं और उसकी फुल डिटेल चाहिए तो आप हमें बताएं तो आप लोगों की कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं इस बार फिर से लौटी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ पी एच पाठशाला के थ्रू कि आपको एम के सारे कोर्सेज के बारे में मैं फुल डिटेल दे पाऊँ तो यह भी एक एनालिसिस वीडियो है एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है तो गर्ज अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और हमारे एक और भी यूट्यूब चैनल है यूनिवर्सिटी गुरुकुल आप चाहें तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ भी आपको हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ मिलती है तो चलिए जानते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप लोग के लिए क्या है तो महिला महाविद्यालय में जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी तो देखिए एम के कोर्सेज कितने ऑफर्ड हैं देखिए अंडर ग्रेजुएट के अकॉर्डिंग छत्तीस सब्जेक्ट है ठीक है पोस्ट ग्रेजुएट यानी एम ए एम एस सी में होम साइंस डिप्लोमा कोर्स में म्यूज़िक डांस पी एच डी स्कॉलर्स वो लोग जानते हैं उसके बाद आपको अंडर ग्रेजुएट में देखना है कि आर्ट्स है साइंस है सोशल साइंस है ऐसी फैकल्टीज़ है तो इसके अंदर में कितने सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है पंद्रह दस छः पाँच तो उसी तरह आज हम लोग जानेंगे कि देखिए पोस्ट ग्रेजुएट पर मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगी क्योंकि यू वाले बच्चों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो चलिए यू वालों की तरफ चलते हैं आइए तो जानते हैं एम की एकेडमिक स्ट्रक्चर जानते हैं सब्जेक्ट और फैकल्टी के थ्रू देखिए इस साइड आप लोगों की फैकल्टी है यानी कि आर्ट्स फैकल्टी आर्ट्स फ़ैकल्टी में कुल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं फिफ्टीन है साइंस में दस हैं सोशल साइंस में छः हैं उसके बाद से परफॉर्मिंग आर्ट्स में तीन है विजुअल आर्ट्स में एक है और एजुकेशन में एक है ये तो आप लोगों को पता चला कि कितनी फैकल्टी और कितने है? सब्जेक्ट है टोटल सत्ताईस सब्जेक्ट हैं ये ओके okay? चलिए जानते हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं अब आर्ट्स में जैसा कि बताया कि पंद्रह आते हैं तो वो पंद्रह क्या क्या हैं जैसे देखिए बेंगोली है इंग्लिश है जोग्राफी है हिंदी है हिस्ट्री है होम साइंस है म्यूजिक है पेंटिंग है फिलॉसफी है फिजिकल एजुकेशन है साइकोलॉजी है संस्कृत है स्टैटिक्स उर्दू है उसी तरह साइंस में बॉटनी है केमिस्ट्री है कंप्यूटर साइंस है जोग्राफी है होम साइंस है मैथमेटिक्स जियोलॉजी साइकोलॉजी स्टैटिक्स फ़िजिक्स ऐसे करके उसी तरह सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस उसके बाद से साइकोलॉजी सोशियोलॉजी स्टैटिक्स कुछ चीज़ें आपको आर्ट्स वाली साइंस में भी दिख जाएंगी जैसे कि साइकोलॉजी ओके okay? उसी तरह कुछ चीज़ें सोशल साइंस

या फिर फ़िलासफी लीजिए संस्कृत के साथ आप फ़िलासफी लीजिए या फिर हिस्ट्री लीजिए तो इस तरह करके आपको जोग्राफी मतलब आप लोग ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल सामने है आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चलिए जानते हैं साइंस के वाले बच्चों के लिए उसके लिए भी दस से मैंने बताया था पिछली बार कि दस सब्जेक्ट है और आपको कैसे कॉम्बिनेशन लेना है जैसे बॉटनी जियलॉजी केमिस्ट्री है उसी के साथ आप चाहें तो बॉटनी केमिस्ट्री के साथ होम साइंस ले सकते हैं मैथ्स ले सकते हैं फिजिक्स वाले बच्चों के लिए पी आता है ठीक है उसी तरह साइकोलॉजी जोलॉजी ले सकते हैं बॉटनी ले सकते हैं तो ये बी सी का कुछ कम्बिनेशन है साइंस ग्रुप का चाहे तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे जानते हैं सोशल साइंस में क्या है इकोनॉमिक्स है हिस्ट्री है पोल साइंस है इकोनॉमिक्स है सोशियोलॉजी है तो आपको किन्हीं तीन सब्जेक्ट कम्बिनेशन चुनना होता है ठीक है एक ऑनर्स होता है बाकी दो आप लोगों को और ऐड करना होता है जो कि दो साल पढ़ते हैं ऑनर्स आपको थर्ड ईयर में चला जाता है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट कम्बिनेशन की फुल डिटेल इस वीडियो के थ्रू दे दी तो जो बच्चे न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए क्योंकि 16 अक्टूबर से हम लोगों की बैच शुरू हो जाएगी हम नहीं चाहते कि आप लोग पीछे रहें क्योंकि इस बार आप लोगों को सक्सेस ज़रूर होना है जो बच्चे नहीं हो पाए हैं है ना तो अनाउंसमेंट हो चुकी है और आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अच्छा एक बात बताइए कि अगर आपको हॉस्टल से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए कि उसमें कितने पैसे लगते हैं किसको कौन सा हॉस्टल मिलता है कितने हॉस्टल्स अवेलेबल हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम हॉस्टल की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ लौटें है ना और एक बात है अपने उसमें बताऊं कि अगर आप लोग चाहती हैं कि महिला महाविद्यालय के कुछ व्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि महिला महाविद्यालय कैसा दिखता है अंदर से उसकी कितनी फैकल्टीज हैं वो कैसा दिखता है अंदर से कितना वो खूबसूरत है तो आप चाहें तो उसका व्यू देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप उसका व्यू देखना चाहती हैं वो सब एम को देखना चाहती है पहले से तो जल्दी से बताइए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिसमें हॉस्टल की कट ऑफ होगी कि आपको हॉस्टल कितने मार्क्स पर मिलेगा हॉस्टल के बारे में फुल इंफॉर्मेशन रहेगी और एक एमएमबी की व्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सबको बेस्ट लक